ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ एवं महंत अवैधनाथ के पुण्यतिथि समारोह के अंतर्गत गोरखनाथ मंदिर के स्मृति भवन में भारतीय संस्कृति में गौ सेवा का महत्व विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कथावाचक डॉक्टर राम कमल दास वेदांती सहित भारी संख्या में संत समाज के लोग और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। भारतीय संस्कृति में गौ सेवा का महत्व विषय पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत में नई कृषि क्रांति का युग दस्तक दे रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि को भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बनाने का जो अभियान छेड़ रखा है वो जीरो बजट कृषि योजना और गौवंश के संरक्षण संवर्धन से ही पूर्ण होगा। गौवंश की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि भारतीय नस्ल की गायों पर हुए शोधों ने ये सिद्ध कर दिया है कि कृषि रासायनिक खादों और जैविक खादों की उपेक्षा गौवंश के गोबर और गौमूत्र पर आधारित खेती न केवल हमारी लागत शून्य करेगी अपितु स्वास्थ्यवर्धक अन्य का उत्पादन करेगी और किसानों की आय में अकल्पनीय वृद्धि होगी। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो चुके हैं। हर जनपद में एक बड़ी गौशाला खोलने की योजना बनाई जा चुकी है, जिसमें 5 से 10 हज़ार तक के गौवंश का पालन पोषण किया जाएगा। इन गौ सदनों के लिए जनता को भी आगे आना होगा। 23 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ गौवंश हैं। यदि एक परिवार एक गौवंश के संरक्षण का जिम्मा ले ले तो हम उत्तर प्रदेश में गौवंश संरक्षण और संवर्धन का एक ऐसा मानक बनाएंगे जो अद्वितीय होगा और जीरो बजट खेती भारत का भविष्य बदलेगी। गाँव गरीब और किसानों के चेहरे पर यदि खुशहाली लाना है तो हमें गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करना ही होगा। जगतगुरु आनंदानंद द्वाराचार्य स्वामी डॉक्टर राम कमल दास वेदांती ने कहा कि ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज भारत में गौ रक्षा आंदोलन के अग्रणी नेताओं में से एक थे। यथा नाम तथा गुणम्।
दिया था अपना कुल की रक्षा का, उसी प्रकार से हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय भारतीय जीवन शैली, पारंपरिक खेती, गोवंश संरक्षण, वृक्षारोपण, जीरो बजट की खेती के प्रवर पक्षधर, प्रचारक और प्रसारक हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में आज के 21वीं शताब्दी में पैदा होने वाला ये राज्यपाल कोई मुख्य अतिथि हवन के साथ अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता हो, इसके बाद ही अन्न ग्रहण करता हो। आज मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनका आदेश हुआ कि मैं आपके बीच में आकर भारतीय संस्कृति में गौ माता के महत्व पर कुछ व्यवहारिक चर्चा करूँ। मैं उत्तर प्रदेश से दूर हिमाचल प्रदेश में रहता हूँ, लेकिन आजकल समाचारों का आदान प्रदान का माध्यम बहुत विशाल हो गया है। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैं टेलीविजन के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 1.5 साल में उत्तर प्रदेश में जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, उत्तर प्रदेश में अनेक लोक कल्याण की योजनाएं प्रारंभ हुई और मैं समझता हूं कि पिछले 7 साल में इस प्रदेश जो महंत जी ने 1.5 वर्ष में करके दिखाया, लेकिन मैं गोरखपुर कभी आया नहीं। महाराज की कृपा से संतों की तपस्थली पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मठ के द्वारा जो कार्य योजनाएं चलती है ये एक अनुपम है। अक्सर मंदिर होते हैं, मठ होते हैं, लोग आ जाते हैं, लेकिन शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, कई बच्चों के लिए वेद विद्यालय चल रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निकल चल रहा है, कहीं पर स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल चल रहा है, तो मठ के माध्यम से इस प्रकार के लोक कल्याण के कार्य जो यहाँ से संचालित हो रहे हैं ये बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है और जनमानस के कल्याण का कार्यक्रम होता है। आज महाराज जी की कृपा थी, आशीर्वाद था कि मैं आऊं और आपके बीच में गाय के संबंध में कुछ विचार साझा करूं। तो भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, अब जो चर्चा मैं आपके बीच में करने वाला हूं वो आपके मन
के मैंने जो काम किए हैं उनके साइंटिफिक वैज्ञानिक स्वरूप आपके बीच में मैं रख रहा हूं। मेरे पास कुरुक्षेत्र गुरुकुल में 300 गाय और उन गायों में एक भी गाय 15 लीटर से कम दूध नहीं देती। पैदा करती है। धरती पर एक ही प्राण
बच्चे को जन्म दे। हमारी जन्मदात्री माँ और गाय माँ का बालक को जन्म देने का काल सेम है, बराबर। तो माँ के दूध के बाद यदि मानव स्वास्थ्य के लिए कोई दूध उपयोगी है तो केवल और केवल गाय माता है। अन्य किसी प्राणी का दूध इतना उपयोगी, बलवान बनाने वाला, पुष्ट करने वाला अन्य कोई दूध नहीं, ये सिद्ध है। अभी पिछले दिनों गुजरात प्रांत के 6 डॉक्टरों की टीम ने एक रिसर्च किया गिर नस्ल की गाय के गोमूत्र पे। पिछले दिनों टीवी आपने देखा होगा, टेलीविजन, 8-7 महीने की न्यूज है। उन साइंटिस्टों ने सिद्ध किया एक्चुअल। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे गाय के पेट में 1.25 मन सोना, गाय के पेट में 1.25 मन सोना। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, उन साइंटिस्टों ने सिद्ध किया कि ये कहने की बात नहीं, गाय के गोमूत्र में एक्चुअल सोना पाया, एक्चुअल सोना पाया। और वो सोना कितना है, 1 साल में एक गाय इतना गोमूत्र के द्वारा सोना देती है कि उसकी 1 साल में कीमत लगभग 55,000 रुपया। अब वो वैज्ञानिक इस खोज में है कि उसे कलेक्ट कैसा किया जाए, इकट्ठा कैसे करें। गाय के गोमूत्र में सोना तो मिला पक्का, लेकिन इकट्ठा करने की पद्धति अब वो खोज रहे हैं। तो गाय के गोमूत्र में कितना गुण है इससे सिद्ध होता। और मैंने जो अपने आप खुद जो रिसर्च अपने खेतों में किए वो इतने अनुपम है कि आज कृषि वैज्ञानिक स्वयं आश्चर्य में, उनकी समझ में नहीं आता कि गाय इतना गुणों का भंडार हो सकती है। मेरे पास कुरुक्षेत्र गुरुकुल में 200 एकड़ जमीन है। मैं रासायनिक खेती करता था, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर डालकर। ध्यान में आया कि यह हॉस्पिटल आजकल भरे पड़े हैं रोगियों के। आज से 30 साल पहले कोई हार्ट अटैक को नहीं जानता था, आज से 30 साल पहले कोई कैंसर को नहीं जानता था, आज से 30 साल पहले कोई ये जघन्य रोग आजकल फैल रहे इनको नहीं जानता था। अस्पताल थे भी, लोग स्वस्थ घूमते थे। ये सारी बीमारियां पिछले 30-40 साल में आई है, पहले नहीं। पता लगा कि हमारे खाद्यान्न जो गेहूं है, चावल है, दाल है, सब्जी है, फल है, दूध, इन सब में इतना जहर हम डाल रहे हैं खेतों में यूरिया डीएपी पेस्टिसाइड के नाम पे। वो जहर खाने के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है और हम सब बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटल भरे पड़े हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आपको? 30 साल पहले बुजुर्ग कोई बैठे हो तो जानते हो कि कैंसर को कोई नहीं जानता, हार्ट अटैक को कोई नहीं जानता। और आज हर 15वां 20वां आदमी कैंसर रोगी हो गया, हार्ट अटैक का शिकार हो गया। तो मैंने अपने खेत में इस रासायनिक खेती को बंद कर दिया और मैंने जैविक खेती शुरू की। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। आजकल एक बहुत बड़ा शब्द हमारे जुबान पर चढ़ गया, जैविक जैविक जैविक, और मैंने भी जैविक किया। अब मैंने 5 एकड़ में शुरू किया जैविक। पहले साल मेरे को कुछ नहीं मिला, सब कीड़े खा गए खेती को, क्योंकि जमीन को जहर खाने की आदत थी और पेस्टिसाइड की आदत थी, वो मैंने डाली नहीं। सब कीड़े आए मेरी फसल को चाट गए, कुछ नहीं मिला। फिर मैंने दूसरे साल
क्योंकि 200 एकड़ में 5 एकड़ में क्या फर्क पड़ता। अगले साल मेरे को 50% उसमें मिला, 50% नहीं मिला। तीसरे साल जाकर के मैं करीब 80-85% उत्पादन उसमें ले पाया। तो मैं कृषि वैज्ञानिकों से मिला कि भाई रासायनिक में तो उत्पादन पूरा होता है, जैविक में कैसे घट गया। तो उन्होंने रिसर्च की बात में कह रहा हूं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में है, पंजाब में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में है हरियाणा, वहां के कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि आप जिस पद्धति से कर रहे हो इसमें आपने गोबर की खाद कम डाली, इसलिए उत्पादन इससे नहीं पड़ेगा। मैं कहा कितनी डालें? तो उन कृषि वैज्ञानिकों ने बताया कि भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दो फसलें योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल, और ये जमीन के इतने तत्व खींचती है कि उसकी पूर्ति के लिए एक एकड़ में एक फसल के लिए 7 किलो नाइट्रोजन चाहिए। और उन वैज्ञानिकों ने बताया यूनिवर्सिटी के गोबर की खाद में, एक टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? कितने में? एक टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 300 क्विंटल गोबर की खाद एक एकड़ में पड़ेगी तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी, तो आपका उत्पादन पूरा होगा। ये है जैविक खेती। ये जो देसी गाय है जिसके लिए आज का ये कार्यक्रम है, गोष्ठी है, ये ऋषियों ने जो बताया, ये अनुपम प्राणी है, इसकी कोई कीमत नहीं। भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, गाय के गोबर गोमूत्र पर हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया और क्या पाया, देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में जो गाय दूध देती है उसमें 1 ग्राम में 300 करोड़ जीवाणु हैं जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, 1 ग्राम गोबर। और ऑस्ट्रेलियन फ्रीजर जर्सी जो गाय है विदेशी, उसके 1 ग्राम गोबर में 70 से 78 लाख तक जीवाणु, इतना अंतर है देसी गाय में और हमारी भारत नस्ल की गाय में। अगली बात, जो देसी गाय दूध नहीं देती, जो ब्याती नहीं, बच्चा नहीं देती, उस गाय में ये जीवाणु बढ़ करके 500 करोड़ तक हो जाते हैं, क्योंकि उसकी ताकत दूध देने में व्यय नहीं होती तो एक जीवाणु को बढ़ाने में काम करती है। तो देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक जीवाणु हैं जो जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हम दो तरह के खाद तैयार करते हैं, गाय के गोबर से देसी गाय, अंग्रेजी नहीं देसी, भारत नस्ल की कोई भी गाय, उसी में ये क्वालिटी दूसरी में नहीं, ये ध्यान रखना। तो हमें बनाते हैं जीवामृत, एक बनाते हैं घन जीवामृत। जीवामृत कैसे बनता है? ये खाद है, आप बाजार में जाए, प्लास्टिक का 200 लीटर का एक ड्रम खरीद लें, 200-250 रुपए में मिल जाता है, उसको गाय के कहीं जगह पे छाया में 180 लीटर पानी भर दे, उसमें 80-185 किलो पानी भर दे, एक देसी गाय एक रात दिन में 8 से 10 किलो गोबर देती है और 7-8 किलो गोमूत्र देती है 24 घंटे। उसका तरीका हमने हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस पद्धति को पूरा अडॉप्ट कर लिया,
पिटीशन को उन्होंने स्वीकार किया तो चर्चा में करा। 25 करोड़ रुपए सरकार ने अलग रखा है किसानों को ट्रेनिंग देने के लिए खाद बनाने के। तो हम क्या करें, गाय के बांधने की जगह ऐसी बनाएं, पक्की कर दे नीचे को और उसका ढाल ऐसा करें गोमूत्र करें तो कोने पे बाल्टी की तरह गड्ढा रख जाए पक्का, अपने आप गोमूत्र इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। और गोबर गोसर को डाल दीजिए तो जो ड्रम पानी का है एक रात दिन का गोबर गोमूत्र उसमें डाल दीजिए। और 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी गुड़ पुराना गला सड़ा कैसा है, उसको उस ड्रम में डाल दो। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, अब दोनों चीज किसान पैदा करते बाजार भी पैदा करता, गुड़ भी किसान पैदा करता और दाल भी किसान पैदा करता। और बड़े पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी मिट्टी, बड़े पेड़ की क्यों, इसलिए कि उस मिट्टी में केमिकल नहीं, उसमें जीवाणु जिंदा है। आपकी खेत में तो जीवाणु मार दिए यूरिया दिए, एक मुट्ठी मिट्टी 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन और एक रात दिन का गोमूत्र और गोबर, इतनी चीज उस पानी के ड्रम में डाल। और लकड़ी के डंडे से घड़ी की सुई की तरह यूं घुमाओगे तो वो नीचे जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मर जाएंगे, घड़ी की सुई की तरह घुमाओगे तो ऊपर आएंगे तो ऑक्सीजन मिलेगा। इनको प्लास्टिक से नहीं ढकना, अभी तो बोरी होती ना खुले मुंह की उससे ढक के रख दो। 4 दिन आपने घोलना है 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम। इस घोल में करोड़ों अरबों जीवाणु पैदा होंगे, ये एक ड्रम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त, 1 एकड़ का खाद इसमें तैयार है। आप पानी के साथ बूंद बूंद खेत में डाल दो, किसी खाद की जरूरत नहीं है, ये मेरा एक्सपेरिमेंट। कोई प्रोजेक्ट चल रहे पूरे देश में, बारिश आती तो बाढ़ आती है और बारिश नहीं होती तो अकाल पड़ता है। इसका कारण इस गौ माता के गुण को न समझना है, इसका दुष्परिणाम ये है, समझो कैसे। इसका कारण साइंटिफिक रीजन होता क्या, प्यारे बच्चों आदमी बंधुओं, जब गाय का गोबर खेत में जाता है इस पानी घोल के द्वारा, इसकी गंध को पाकर के जो मित्र जीव के जुआ वो नीचे से ऊपर आके काम शुरू करता तो कैसे काम करता है। भारतीय केचुआ 15 फीट नीचे तक जमीन में जाता है, जिस रास्ते से जाता उससे वापस नहीं आता, दूसरे से वापस आता है, इससे जाता दूसरे से आता, इससे जाता दूसरे से आता, ये काम 15-20 फीट तक नीचे की उपजाऊ जमीन को खा करके पेड़ से निकाल करके किसान के पौधे की जड़ को देता है। और एक्सपेरिमेंट किया है, इस मिट्टी में जो केचुआ खाता है 16 तरह के पौष्टिक तत्व हैं, जिसके बाद जमीन को किसी भी खाद की जरूरत नहीं। ये पूरी रो बजट प्राकृतिक खेती जो देसी गाय पर आधारित कृषि है, प्रधानमंत्री जी की योजना डबल उत्पादन करने की क्षमता रखती। क्यों जीरो बजट में इसलिए कहता हूँ कि इसमें लागत है ही नहीं, जब लागत ही खत्म होगी तो ये नील कम बढ़ गई और उत्पादन इसमें पहले साल बढ़ता, पर्यावरण बचता है, 60-70% पानी कम लगता है, जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, अस्पताल बीमारों से हरे पड़े, ये सारे के सारे स्वस्थ लोग हो जाएंगे, जहर मुक्त आहार खा करके, और किसान की आय डबल बनती है। ये है देसी गाय का कमाल, इसका दूध अमृत है, इसका गोबर गोमूत्र अमृत है, ये सही अर्थों में माता है। मैं आप सबसे आग्रह करूँ
सकते तो शपथ लो कि हम गाय का दूध ही पिएंगे ताकि और गौ पाले। आप करते क्या है, गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। ना गाय पालते ना दूध पीते, ये कहाँ से हो, सड़कों पर घूमती। यदि ये प्राकृतिक खेती शुरू हो गई तो किसान सड़कों से भी गाय को पकड़ेगा, क्योंकि उनकी जरूरत बनेगी। इस गाय के बिना खेती संभव नहीं है, आने वाला भविष्य गाय के बिना अंधकार है, बर्बादी का है, खाने को नहीं देगा, पर्यावरण बिगड़ गया, ये बाढ़ अकाल दुनी आते रहेंगे। यही तरीका गाय माता जो बाढ़ में पानी को धरती में भेजेगी और अकाल में वही केचुआ का सुराख से धरती के नीचे के पानी में वाष्प बनता है और केचुए के सुराख से वो देखी जड़ को पानी सींचता, अकाल में भी पेड़ नहीं सूखता। क्यों, जंगल में जो पेड़ है इनको कौन पानी देता है, इनको कौन यूरिया डीएपी देता है, हर पेड़ लहरा रहा क्योंकि वो प्रकृति से जुड़ा हुआ। आओ हम गाय माता के महत्व को समझें और सही अर्थों में अपने जीवन के साथ हो रहे हैं, खेती के साथ हो रहे हैं, आने वाले भारत प्रति विश्व के भविष्य, इससे जल बचेगा, इससे गाय बचेगी, इससे पर्यावरण बचेगा, इससे जमीन की उर्वरा शक्ति बचेगी। तो मैं अंत में आदरणीय महन साहब का, सीएम साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप जैसे प्रबुद्ध लोगों के बीच में एक ऐसे विषय को जो गाय से जुड़ा होता था मेरे को बुलाया, जो समय और अपना पढ़ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब विशेषता देखिए सदयोग नहीं हो, यानी सब कुछ वो माता के अंदर है, उसको ढूंढने की आवश्यकता है, लेकिन गाय के अंदर को भी हम सब के सामने प्रस्तुत किया। अपने माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश आचार्य देवव्रत जी ने कि भारतीय नस्ल की गोमांस की उपयोगिता इतनी ज्यादा है किसी विदेशी नस्ल के गोवंश की तुलना में, और सचमुच भारत को अगर कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना है, भारत के गांवों को समृद्धि की ओर अग्रसर करना है, गांव गरीब और किसान के चेहरे पर अगर खुशहाली लाना है तो गो माता उसका एक आधार बन सकती है। वो आधार इस रूप में जैसे स्वयं आचार्य जी ने अपने गुरुकुल में इस प्रकार के प्रयोग करके लाखों लोगों के सामने, करोड़ों लोगों के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। केमिकल और फर्टिलाइजर डालने से क्या लाभ है, क्या हानि है, इसको भी उन्होंने बताया। जैविक खेती के लिए क्या परिणाम और दुष्परिणाम है, यह भी आपके सामने बताया। और जीरो बजट खेती कैसे गाय के माध्यम से 30 एकड़ खेती के लिए हम पूरी क्षमता की उसकी खेती की गुणवत्ता को बढ़ाने में कैसे उसको उपयोगी बना सकते हैं, इसके बारे में भी आप सबने यहां पर ध्यान से सुना होगा। बल्कि से आत्मसात करने और फिर इसको व्यवहारिक मात्रा पर उतारने के जिससे ही प्रतिवर्ष गोरख समिति के द्वारा अपने दिवंगत आचार्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और महंत अवैधनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके पीछे का ध्येय यही है, क्योंकि दोनों गोरखपीठ के पूज्य आचार्य थे, भारत की सनातन परंपरा, भारत की संस्कृति,
थी भारत की विरासत को छोड़ने बनाए रखने, उसकी सुरक्षा, उसके संरक्षण, उसके संवर्धन में इन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। और जब हम गो वंश की बात करते हैं, गो माता की बात करते हैं, तो भारत की गो वंश की परंपरा भारतीय धर्म संस्कृति की प्रतीक, ये हमारे प्रतीक है, हमारी सनातन धर्म संस्कृति के प्रतीक है, भारत के सनातन हिंदू धर्म का प्रतीक होने के नाते अगर प्रतीक ही नहीं रहेंगे तो फिर उससे परंपरा धर्म कहां से रहेगा, ये हम सबको इसके बारे में सोचना होगा। आप इसके बारे में अवश्य विचार करें, अपने घरों में जाकर के इसके बारे में, इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास प्रारंभ करेंगे तो अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, इन सब के प्रति आपकी एक अमूल्य सेवा होगी। हम सब जानते हैं कि भारतीय नस्ल का जो वंश है उसका अपना एक अलग महत्व है। आज वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकार किया है, उसके महत्व को हर दृष्टि से हमने क्योंकि माना, उसका दूध, उसका गोमूत्र, उस गौ की उपयोगिता हम सब के लिए किस रूप में हो सकती है। आज इस पर बहुत मुझे लगता है कि हर स्तर पर जो व्यापक कार्य और व्यापक शोध हो रहे हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। और इसलिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जब सरकार आई थी तो हमने सबसे पहला काम यही किया कि हम जितने भी अवैध कूचड़ खाने थे सबको बंद करेंगे। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर से बंद करवाया। बंद करवाने के बाद दूसरे चरण में हम लोगों ने एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है और वह किया है कि हर जनपद में हम एक बड़ी गौशाला का निर्माण करेंगे जहां 5,000-10,000 गोवंश को रखने की व्यवस्था की जा सके, उनकी सेवा हो सके। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देगी, सुरक्षा के लिए व्यवस्था कर देगी, शेड बना देगी, नाला बना देगी, पेयजल की व्यवस्था कर देगी, केयर टेकर के लिए वहां पे नियुक्तियां भी कर देगी, लेकिन वह गो सेवा वहां हो, उस गो का संरक्षण हो, उस गो का संवर्धन हो, जैसे गो वंश के नस्ल को सुधार करने का कार्य आचार्य जी ने किया कि 10 किलो दूध देने वाली गाय धीरे धीरे करके 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो, 24 किलो तक पहुंचाने का मैं सफलता उन्होंने प्राप्त की। क्या ये जो गौ सदन जो हम लोग स्थापित करेंगे क्या ये उस दिशा में प्रयास कर सकती है? दूसरा, इन गो सदनों के माध्यम से हम लोग प्रयास करें कि सरकार पर निर्भर ना कम समाज पर निर्भरता ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश में गोवंश की संख्या है 4 करोड़, यानी 5.5 लोगों पर एक गाय है। एक व्यक्ति एक गाय की सेवा का दायित्व अपने ऊपर ले, या एक परिवार अपने ऊपर एक गाय की सेवा का दायित्व ले, हम व्यक्ति पर नहीं करें तो भी ये 4.5 करोड़ गोवंश को हम बहुत आसानी से सुरक्षित कर सकते हैं, इसका संरक्षण भी कर सकते हैं, इसका संवर्धन भी कर सकते हैं और हम एक देश और दुनिया के सामने मिसाल प्रस्तुत कर सकते हैं कि गो की सेवा भी होगी और वो हमारी आस्था की प्रतीक भी होगी और यही गो हमारी आजीविका की प्रतीक भी होगी। जिस प्रकार से वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से उन्होंने आज अपना यहाँ व्याख्यान आचार्य देवव्रत जी ने हम सबके सामने किया है, मैं इसके लिए उनका एक बार अपना हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आप सबका आभार करूंगा
जिनके द्वारा कही गई एक एक बात अत्यंत उपयोगी है। विदेशी और फ्रीजियन नस्ल के गोवंश की तुलना में देशी और भारतीय नस्ल का गोवंश कैसे उपयोगी हो सकता है, एक या महत्वपूर्ण, दूसरा उसके संवर्धन की दिशा में किए गए प्रयास, और तीसरा प्रत्येक गोवंश के माध्यम से हम भारत के अंदर इस गोक्रांति के माध्यम से कृषि क्रांति की एक नई आधारशिला रखने की दिशा में क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकता है, या उससे भी बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जिसमें एक गाय 30 एकड़ खेती को पूरी तरह उर्वरा लगा करके वहां से सोना उगलने का कार्य सचमुच कर सकती है। यह क्षमता भारतीय गोवंश में भी है, भारत की धरती माता में भी है। केवल एक योग्य योजक की आवश्यकता है। एक योग्य योजक के रूप में आपके सामने महत्वपूर्ण व्याख्यान आचार्य जी ने आपके सामने किया, अब उस योग्य योजक के रूप में अपने अपने गांव अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के आप इसको अपनाएंगे। इस विश्वास के साथ महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज वैद्यनाथ जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित इस व्याख्यान माला के अवसर पर हम आज के इस अवसर पर आप सभी जो भी हमारे हरिगण आए हैं इन सब के प्रति मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ।